जब हम स्कूल के बाद एक दूसरे शहर जाते हैं स्टडी करने के लिए क्या तो हमने कौन? स्कूल के बाद स्कूल के बाद क्या करते हैं स्टडी करने के लिए एक दूसरे शहर जाते हैं अच्छा हाई हायर एजुकेशन के लिए जाते हो यूनिवर्सिटी में दाखिला ले, ले लेते हो अच्छा दे फिर दे फिर क्या करते हो कौन, कौन सी चीज़ें देखनी है उधर जाके कौन सी चीज़ें देखनी है पहली चीज़ तो ये देखनी है तुम ये देखो कि तुम एक अहमदी मुसलमान लड़के हो और एक अहमदी मुसलमान लड़के को कैसा होना चाहिए उसको नमाज़ें पाँच वक्त पढ़ने वाला होना चाहिए उसको क़ुराने करीम की तलावत करने वाला होना चाहिए उसको बुरे लोगों की सोबत से बचने वाला होना चाहिए उसको अच्छे दोस्त नेक दोस्त बनाने चाहिए जो हों पढ़ाई करने वाले हों पढ़ाई पे तोजो देने वाले हों ये नहीं है कि वारा किस्म के लोग जो कैंटीनों में और रेस्टोरेंटों में बैठ के गप्पे मारने वाले हों या बाज़ारों में फिरने वाले हों उनके साथ उनको दोस्ती लगा लो पढ़ने वाले लोग जो लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ने वाले हैं मेहनती हैं और होशियार हैं उनसे दोस्ती लगाओ चाहे वो ईसाई हैं चाहे वो योगदी हैं चाहे वो हिंदू है चाहे मुसलमान है या अहमदी मुसलमान है ठीक है लेकिन अच्छे दोस्त बनाओ और अच्छे दोस्तों की दोस्ती से फ़ायदा हो उनको फिर अपना नमूना दिखाओ अगर नमाज का वक्त हो गया तो उसको कहो भी दोस्त को कि भाई मेरा नमाज का वक्त है मैं नमाज़ पढ़ के भी आया उसको भी पता लगे कि तुम दीनदार हो और उस पर भी एक ने, नेक असर हो तुम्हारी सोबत का कुरान करीम की या दीन की बातें सीखो उनको भी कभी कभी बातों बातों में जिक्र कर दो डिस्कशन होती है ना जब लड़कों की तो कर दो तो यही चीज़ है कि जाके अपने दीन की हिफाजत करो अपने अच्छे अखलाक की हिफाजत करो और अपने पढ़ाई का पूरी तरह ख्याल रखो और मेहनत करके जिस मकसद के लिए गए हो उस मकसद को पूरा करो और यूनिवर्सिटी की पढ़ाई को मुकम्मल करके फिर वापस आओ और अपने दोस्तों पर नए कसर डालो और नए कसर लोगों का लो ठीक जी चलो